नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, प्रॉब्लम्स आर लाइक स्टोन्स, इफ यू कीप इट नियर योर आईज इट विल हाइड योर विजन, इफ यू कीप एट अ डिस्टेंस यू कैन सी हाउ स्मॉल इट इज। जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं तब हमारा माइंड और कुछ सोच नहीं पाता है। वैसा लगता है कि इस प्रॉब्लम के सिवा और कुछ जिंदगी में है ही नहीं, और हमारा दिमाग में सिर्फ वही प्रॉब्लम्स छाया रहता है, और लगता है ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है। कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, यही माइंड में हमेशा चलता रहता है, और माइंड जो है क्रिएटिव वे में कुछ सोच नहीं पाते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए खुद को उस प्रॉब्लम से अलग कर लेते हैं और खुद को कुछ दूसरे टॉपिक या काम के बारे में सोचने देते हैं तब हमारा माइंड थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है। कुछ समय के बाद अपना माइंड न्यू सॉल्यूशंस के बारे में सोचना या समझने का चालू कर देता है, फिर एक नया पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को सोच सकता है, तब जाके उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिल ही जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम्स को कभी कभी थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, कभी उस प्रॉब्लम को सैटेलाइट व्यू से भी देखने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम को डिटैच होके, खुद को प्रॉब्लम से अलग करके, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उसको देखने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी उस प्रॉब्लम की बहुत आसान हल यानी सॉल्यूशंस मिल जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी सॉल्यूशंस भी मिल जाता है। वैसा लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम जितना बड़ा हम सोच रहे थे इतना तो बड़ा नहीं है, इतना इसका स्मार्ट सॉल्यूशंस है, इतना इजी सॉल्यूशंस था, और हम कितने हफ्ते कितने महीने इसके बारे में अननेसेसरी सोचते रह गए हैं। इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम को दूर से देखना चाहिए, तब जाके क्या होता है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के अलावा भी हमारे दिनचर्या है, दिन का जो अलग अलग काम है उसको भी करना है। लेकिन हम अगर सुबह से रात तक उसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होता है कि दूसरा काम बंद हो जाता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम और वो प्रॉब्लम कोई डिफरेंट नहीं रहता है, एक ही चीज हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो होगा ही, चैलेंजेस तो आएंगे ही, उसको इतना बड़ा भी नहीं करके देखना है, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा दूरियां मेंटेन करके उसके बारे में सोचना चाहिए। जब हम एक ही चीज के बारे में दिन रात हफ्ते महीने सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग में उसका जो क्रिएटिविटी बंद हो जाता है, और लगता है कि अरे यार कैसे इस प्रॉब्लम के छुटकारा मिले। लेकिन अगर हम खुद को उस टाइम में खुद थोड़ा सा डिटैच कर लेते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन हो जाता है। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम्स के बारे में ये टाइम से ये टाइम के बीच में आधा घंटा एक घंटा दो घंटा सोचेंगे, बाकी टाइम अपना जो काम है वो काम करते रहेंगे, क्योंकि दूसरा जो काम है वो भी बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा काम भी बंद हो जाएगा तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो बंद हुआ काम और भी बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम को एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए एंड दूसरा काम करना चाहिए। कभी-कभी एक पल में एक चुटकी बजाते ही उसका सॉल्यूशंस भी आ सकता है, तब लगता है अरे यार इतना छोटा सा चीज था। यही छोटी सी बात के साथ आप सबसे विदा लेता हूं, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।